अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो अभी हम लोग जा रहे हैं, आज नेक्स्ट डे, मतलब कल हम लोग आए थे मुंबई, पहुंच चुके थे और सारा घर का काम करने में पूरा दिन चला गया। तो बस आज हम लोग जा रहे हैं अम्मी के घर पे, अम्मी से मिलने के लिए। और जो कुछ हमने खंडाला से ज़्यादा कुछ नहीं लाया, आप लोगों को पता है, थोड़ी बहुत चिक्की मैंने खरीदी थी, कुछ मिठाई खरीदी थी, बस वही अम्मी के पास लेके जा रहे हैं। तो ऐसा है, और कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया था हमने। टॉफी वॉफी लिए थे, वो चॉकलेट वो जेली वाली, उस्मा के लिए एक पैकेट लिए थे, यूसुफ के लिए एक पैकेट लिए थे, तो वही लेके जा रहे हैं। एक्चुअली ना मम्मी लोग ने खुद ने कहा था, ज़्यादा पसारा मत लेकर आना, चिक्की वगैरह हम लोग खाते नहीं, तू भी नहीं खाती, तो फालतू खर्चा मत करना। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत लिया था, आस पड़ोस वालों के लिए भी, जिन लोग मेरी बिल्ली का थोड़ा ध्यान रख रहे थे। जब हम लोग नहीं थे तो आप लोग ने क्वेश्चन किया था कि आपकी बिल्ली को कौन देख रहा है, तो यहाँ बाजू में एक भाई है, एक दो भाई है, ऊपर में एक अंकल है, वो भी मेरी बिल्ली का पूरा ख्याल रख रहे थे, खाने पीने का। तो ऐसा है, तो कहाँ है? जल्दी जल्दी आई बहुत घूमी मैं। कहाँ कहाँ घूमे? उल्टी भी की है ना तुमने? हाँ, कल कार में उल्टी आई थी, क्योंकि कल उसके पहले वाले दिन मैंने कुछ ज्यादा ही नहीं आज खा ली थी, खा ली थी वो भी अपनी अक्की, क्योंकि मैं चीनी बार चबा पाती। अरे मेरा बच्चा, हमें तो ये बता तू कि तुम ऊंट पे से क्यों उतर गए? ऊंट पे से क्यों उतर गए? ऊंट पे बैठे थे ना तुम, ऊंट पे कैमल पे। हाँ। तो क्यों उतर गए कैमल पे से? क्योंकि डर लग गया था। कौन डर गया था पहले बताओ, आप पट्टू है कि अम्मी पट्टू है? अम्मी और मैं तीनों डरपोक। कौन चिल्ला रहा था, मेरे को उतार दो, मेरे को उतार दो? अम्मी है ना। तो तुम लोग ने गलती की है ना, अम्मी को इतना पीछे कौन बिठाता? अब्बा को पीछे बिठाना चाहिए था ना, अम्मी को आगे बिठाना चाहिए था, है क्या? नहीं, अंकल ने ही पीछे बिठा दिया और पीछे हाथ रखने का। पीछे हाथ थोड़ी कैसे पकड़ेगी अम्मी, अम्मी को आगे बिठाना चाहिए था ना तुम लोग ने। अंकल जी पीछे बैठे तो ले पीछे हाथ रखने का। अरे तो बाद में उतर गए थे तो वापस चढ़ जाने का था, अम्मी को आगे बिठाने का था। अच्छा तुमको कैसा मजा आया मेरे को बताओ, तुम कैसे गद्दे पे सो रहे थे उधर, वो कमरा कैसा था? अच्छा था। खाना? हाँ। खाना बहुत महंगा और टेस्ट भी नहीं। अच्छा, अम्मी का पूरा पैसा वसूल करे घूम के, मजा आया? हाँ। तुमको अच्छा लगा? तबीयत अच्छी है ना अभी तुम्हारी? अभी उल्टी बुलटी तुम्हें आ गई? इसका आने का मन ही नहीं था बोलता, अम्मी ये बिस्तर बहुत अच्छा है। बेटा तुम गोली लेके जाने चाहिए था ना। अरे मेरा मेंटोस की बड़ी दवा है। हाँ तो तुम मेंटोस क्यों नहीं लेके गए फिर? अरे अम्मी के बैग में ही था। फिर भी तुम उल्टी कर दी है? अम्मी ने नहीं दिया। तुमको सोने को मजा आ रहा था उधर पे, वो होटल अच्छा लगा तुमको? हाँ, कार में ही मैं सो गई, ऑरेंज मेंटोस मुंह में रखकर। हाँ, और यहाँ पे तुमको कैसा मारा बंदर ने, टपक करके। अच्छा बोर्ड पे? अच्छा बोर्ड में? बोर्ड पे भी बैठे थे तुम? हाँ, पर मुझे तीन लाइन घूमना था, सब घूमती फिर बाद में बोलती जरा थोड़ा कम लगा था मुझे, ऐसा और करना था। और करना चाहिए था, बहुत अच्छा है, बड़ा घुमाया था उसने। कितना अच्छा पावना लेक, बहुत अच्छा लगा। अच्छा तुमको सबसे अच्छा कहाँ लगा? सबसे रीजनेबल पावना लेक। तुमको सबसे अच्छा कहाँ लगा? बोट में घूमने में। बोट में? पहाड़ चढ़ने? पहाड़ चढ़ने में, या केमल केमल पे बैठने पे, या तुमको मंकी को खाना खिलाने में? मुझे बोट में घूमकर जाया। अच्छा। और मंकी को खाने खिलाने में मजा आया। फिर भी मंकी ने मार दिया क्योंकि उसे खिलाने में भूल गई थी। नहीं 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 उसमें मैंने वीडियो देखी, तूने उसको पहले दे दिया। हाँ, पहले तूने उसको दी थी। हाँ, वापस के मेरे को वापस दे, मैं बता रहा था कि मैं यहाँ हूँ, मैंने देखी वीडियो। दे दिया था, फिर भी आप बच्चे मार
भागने। अरे वो वापस से आया था, तुम भागे ना। सबसे बड़ा बंदर था वालू, ककड़ी लेके वापस भागे ना, उसको लगा मेरे को देने आई। और बैठ के बात भी सुन रहा वालू, मैं हो कर रहा था। ऊपर बैठा, तुमने उसको देखा ही नहीं, तुम नीचे वाले को जाके दे दिए, इसलिए वो ऊपर से बोला था एडी मैं ऊपर बैठा हूँ। पता है जब मैं उससे बात कर रही थी ना, ये बुड्ढे तूने मेरी बेटी को मारा ना, तो मेरे आंग पे आ रहा था मेरे को डराने के लिए। मैंने ना उसके पहले ही दे दिया था। अरे वो लोग वापस मांगने आते घड़ी घड़ी। तुमने औरंगाबाद का दिखा देखे क्या हमारा वीडियो? बताओ, बेबी को बार बार दिया उसकी माँ को। हाँ, पर बेबी नहीं खाया, और उसकी बेबी को टच करना था लाल वाली मुंह वाली। अच्छा, के बेबी को। अच्छा, पर वो मारती है सब जी। आजो उसको सिलोन ले जाके बाल काट। हाँ हाँ, कर मजा आया ना। लेकिन उसमें पहाड़ वाला सीन तो पूछो उसको। पहाड़ पे भी मजा आया तुमको? हाँ। कितने पहाड़ चढ़ी? सीढ़ी चढ़े थे। हाँ, बहुत चढ़े। पैर दुखे थे क्या? नहीं, 200 चढ़ी थी जी। हाँ तो सही बात है, 200 सीढ़ी। 200 सीढ़ी चढ़ी थी उसमें। मैं थक गई थी लेकिन वो नहीं थक रही थी। बाप रे, बहू के साथ में चढ़ी थी जी 200 सीढ़ी। वो भी बताओ क्या लगा था तुमको इधर? कल बिल्लियों का घर का जमीन थकते दे रही हो। अरे बाप, इतना तुम्हारे साथ होता ना जुलूम सब। स्विमिंग पूल में कैसे लगा उसको? अच्छा, स्विमिंग पूल में भी मार लगा तुमको? नहीं, स्विमिंग पूल कैसा लगा तुझे? स्विमिंग पूल में अच्छा लग रहा था तुमको खेलने पानी में? लेकिन बैठो बैठो, मैं अभी थोड़ी सी नाक में पानी चला गया। देखो तुम आते ना तो नानू को ना बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती तुम्हारे से मिलने के लिए। ना ऑटोमेटिक नींद भी खराब हो जाती है तो भी चलता है देने का। ये अभी पता चला हमारे को, ये भी ले आने के बाद। लेकिन जो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। क्या चार सौ पाँच सौ का बोल रहे हैं? क्या चीज? श्रद्धा, थैंक यू श्रद्धा जी, आपने उज्मा के लिए जूस और ये कैडबरी भेजी। अच्छा, ये खुद आए थे क्या? रियाज की फ्रेंड है ना, आती है ना, वो लेके आती है। कोई ना, जो स्ट्रीट फूड जायका पे मिलने के लिए, वो स्ट्रीट फूड जायका पे जो पेंटिंग किए थे ना वो लेडीज, वो कैमरे पे तो नहीं आते लेकिन जब भी आते दोनों बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आते। चलो मैं अभी यहाँ से निकल रही हूँ। कैसे जाएंगे? ट्यूशन का टाइम खलास हो बाद कैसे जाएंगे? टीचर थोड़ी पढ़ाएंगी तुमको, टीचर नहीं पढ़ाएगी ना, टाइमिंग पे रहेगी ना टीचर। तो चलो अभी मैं निकल रही हूँ, सलाम करो, अल्लाह हाफिज़ करो। मैंने पूरे वीडियो में सलाम नहीं करी, बोलती अब सलाम करो। तभी तुम उज़्मा से बात कर रहे थे ना। उज़्मा के चक्कर में, बात करने के चक्कर में आप लोगों को सलाम करना ही भूल गई। अस्सलाम वालेकुम। कोई नहीं, तुम उज़्मा से तभी भी बात कर रहे थे, अभी भी आए। उज़्मा 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 में ही रहते हैं। वो चार दिन से, इसको पांच दिन से देखती नहीं, बाहर गई ना, उसका रोज वीडियो का इंतजार करती मैं, अब डालेंगी क्या कर रही क्या कर रही। मजा आया लेकिन ऐसा है। चल बेटा निकलते, चल चलो मिलती हूँ आप लोगों से। अभी उसको पहले घर पे लेके जाऊंगी, ट्यूशन छोड़ना उसको नहीं। चल जरूरी हो। सो मैं आ गई किचन के अंदर, बना रही हूँ खाना। खाने में ज्यादा कुछ भी नहीं बना रही हूँ, खाने में बना रही हूँ मटर पुलाव। सो फाइनली मैं खड़ी हूँ किचन के अंदर। उज़्मा ट्यूशन से आ गई है, जब तक वो ट्यूशन में थी तब तक मैंने वीडियो की एडिटिंग की। आप लोग से बात नहीं की मुझे पता है, ना मैंने व्लॉग को कंटिन्यू किया क्योंकि मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी और वीडियो को लाइव किया मैंने। अभी मेरा वीडियो लाइव हो गया जो आप लोगों ने कल देख लिया होगा। तो बस अभी मैं बना रही हूँ खाना, तो खाने में ज़्यादा कुछ हैवी नहीं बना रही हूँ। बना रही हूँ अपना ये क्या बोलते हैं मटर पुलाव। और हाँ, ये मुझे कमेंट आया था कि नाज़िर भाजी आपकी आँख में इतनी तकलीफ है, आपको इस समय में घूमने नहीं जाना चाहिए था। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये चीज़ मैंने तभी रियलाइज़ ही नहीं की थी, मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि पहले इन्फेक्शन है मेरी आँख में और मैं जा रही हूँ लोनावला धूल मट्टी में घूमूंगी फिरूंगी तो आँख में इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। ये चीज़ मैंने सोची ही नहीं थी।
और आप लोगों को मैंने बताया नहीं, कल कपड़े वपड़े धोने के बाद जब मैंने व्लॉग एंड किया तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई थी, आँखों के डॉक्टर के पास। तो उन्होंने यही कहा कि आपके आई में इन्फेक्शन तो है, साथ ही साथ अभी क्या बोलते हैं वो मिट्टी की एलर्जी भी हो गई है, मतलब धूल मिट्टी से एलर्जी भी हो गई है थोड़ा सी, मतलब उससे कुछ ऐसे डॉक्टर ने कहा। तो उसके लिए उन्होंने मुझे दो दो ड्रॉप दे दिए है। ये देखिए यहाँ आई, छुट्टियां मना के आई और डॉक्टर ने दो दो ड्रॉप दे दिए, दिन में तीन तीन बार डालो बोल के, तब एक वो अलग है। और हाँ, लोगों की ये भी शिकायत थी, शिकायत नहीं मतलब ऐसे आइडिया दे रहे थे मुझे, लोग बोल रहे थे, मेरी गलती बता रहे थे कि आप लोनावला क्यों गए, लोनावला रेनी सीजन का एक जगह है, उसके अलावा आपका पैसा वेस्ट होगा, रेनी सीजन में ही वहाँ मज़ा आता है, आपको बारिश में ही जाना चाहिए एंजॉयमेंट के लिए। तो पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मेरा लोनावला जाने का कोई प्लानिंग नहीं था, हम जा रहे थे, मेरा इरादा था हम महाबलेश्वर जाएंगे, बट हम लोग प्लानिंग काफ़ी दिन से कर रहे हैं आप लोगों को पता है, बट लेकिन मैं महाबलेश्वर नहीं जा पाई क्योंकि मैंने बोला आप लोगों को हम लोग का ये ऑन द स्पॉट वाला प्लान था, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, खाली सुन रहे हैं वो भी इतने दिन से लेकिन निकल रहे नहीं थे। हम लोग तो सोचे मुंबई से पहली बार निकल रहे हैं बाहर, तो इतना दूर जाने से पहले हम लोग नज़दीक बाजू में कहीं जाके आते, दो दिन तो एक आइडिया बैठेगा कि अपने मतलब मैंने कभी मुंबई के बाहर कदम नहीं रखा, तो वही चीज़ मुझको ये नोटिस करवाना था खुद को, मतलब फील करवाना था कि नहीं भाई मैं मुंबई के बाहर भी कोई और जगह पे कैसा एक्सपीरियंस है वो देखने के लिए लोनावला गई। अब मैं बारिश में गई कि ठंडी में गई, सही बताओ तो मैं बारिश में, आप लोगों को पता होगा कि नाजिया अपना घर से बारिश में घर से नहीं निकलती। मैं ना 5-6 साल से जब से मैं जॉब छोड़ी हूँ ना, जॉब पे जाती थी ना तभी बारिश में बाहर इंजॉय करने का बहुत मेरे को शौक होता था, ये था होता। जब से मैं 5 साल पहले काम छोड़ी हूँ ना, जॉब छोड़ी हूँ ना, तब से ना बारिश के मौसम में घर से कदम निकालने डर लगता है मुझको, कहीं नहीं जाती मैं, कितना भी इम्पोर्टेंट मेरा कपड़ा सिलाना हो या कुछ भी हो या कुछ भी, मतलब समझ लो अगर मुझे सर्दी खांसी है मुझे दवा खाने भी जाना ना, तो कई मरतबा बारिश आ रही बोल के मैं नहीं निकलती बाहर, क्योंकि मुझसे ठंड इतनी बर्दाश्त नहीं होती, एक बार भीग जाओ ना तो मैं कांपने लग जाती हूँ। तो अगर लोनावला बारिश की जगह है तो मैं कभी लोनावला जा ही नहीं पाती थी शायद से, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है कि मैं लोनावला देख के आ गई, भले ठंडी में तो ठंडी में ही सही क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं थी, ऐसा अपने मुंबई जैसा ही माहौल था, कभी गर्मी कभी ठंडी चल रही थी, लेकिन जब गर्मी हो रही थी तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जबकि हाई लेवल की गर्मी भी नहीं हो रही थी, हाई लेवल की ठंडी भी नहीं हो रही थी, लेकिन मुंबई से एक लेवल ऊपर ही हो रहा था जो भी हो रहा था, तो ना तो गर्मी बर्दाश्त हो रही थी क्योंकि घुटन हो रही थी, और ना ही ठंडी बर्दाश्त हो रही थी क्योंकि आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ मैं मुंबई छोड़ के इससे पहले कभी हिली ही नहीं। वहाँ मुश्किल से एक दो बार मैं औरंगाबाद गई होगी, बस एक दो बार मैं औरंगाबाद गई होंगी, वो भी कब पता है, मई 2015 में गई थी मैं कुछ 2-3 दिन के लिए, और मेरी ट्रेन में ही तबीयत खराब हो गई थी, मेरी कजिन बहन सिस्टर की शादी में गए थे हम लोग, हमें जाते जाते ट्रेन में ही तबीयत खराब हो गई थी, और 2 दिन में एक ही जगह पे थी, इवन सिर्फ समझ लो वहाँ घूमी भी नहीं थी, हम लोग सोच के गए थे कि शादी अटेंड करने के बाद तीसरे दिन घूमेंगे, मेरी तबीयत इस तरह खराब हो गई थी कि शादी में जाने से पहले डॉक्टर के पास जाके दवा लेके आ रही थी, आपके भाईजान मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, मेरे अम्मी अब्बा भी मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, ऐसा सीन था, मतलब मुझे ऐसा है क्योंकि मुझको ट्रैवलिंग नहीं जमती, तो समझ गया ना सारी बातों से कि आदत नहीं है मुझको ट्रैवल करने की, और डर लगता है ये जगह छोड़ के कहीं और जाने के लिए, लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि मैं घूमने जा रही हूँ, लेकिन मैं पहले ही डर जाती हूँ कि मैं घूमने जाने वाली हूँ सोच के, लेकिन अब दिल खुला क्योंकि मैं 2 दिन कहीं जाके आई ना, तो अब दिल खुला, हाँ भाई अब मैं बाहर निकलूंगी और घूमूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं पूरा अपना मुंबई घूमूंगी, पूरा अपना मुंबई घूमूंगी, शुरुआत कर देते हैं, वीक में एक बार कोई अच्छी जगह पे घूम के आऊंगी। अब ऐसा नहीं सोचूंगी कि वहाँ जाने के लिए कितना घंटा लगेगा, क्या मैं मतलब मैं बहुत सोचती हूँ ना घूमने के मामले में, आप लोगों को पता है, और पहले क्योंकि पहले ही आपके भाईजान इतना घुमाने फिराने में माहिर नहीं थे, तो वो अब घर में बैठे 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 मेरे को ना आदत हो गई, मतलब मैं खुद आदी हो गई हूँ घर में 4 दीवारी में बंद रहने की, बट वो ये कंफर्ट जोन से मुझे बाहर निकलना है, तो पहले मुंबई घूम लूंगी, उसके बाद अपन अब नेक्स्ट मेरा प्लानिंग है महाबलेश्वर ही जाने का, तो
हूँ, बस ऐसा है। मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर एक एक कमेंट का आंसर करने सोच रही थी ना, कैसे एक एक जनों को जवाब दूँ, इसके लिए मैंने यहाँ जवाब दे दी। और एक एक बार लोग कह रहे थे अजमेर शरीफ जाओ, अजमेर शरीफ जाओ। आप लोग जितना मुझे अजमेर शरीफ जाओ बोल रहे हो, उतना आज मेरे अम्मी अब्बा भी मेरे बोल मुझे बोल रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ अजमेर शरीफ मैं तब जाऊँ जब मैं दिल से, मतलब ऐसा है कि नहीं मुझको जाना ही है अजमेर शरीफ। किसी के दबाव और प्रेशर में आके मैं दरगाह नहीं जाती, चाहे वो अजमेर शरीफ हो, चाहे हाजी अली हो, चाहे कोई भी। मैं किसी के दबाव और प्रेशर में आके कोई सजेस्ट करेगा तो नहीं जाती, ऐसे अंदर से आना चाहिए। जैसे आपने चार बार मुझे बोला तो मेरे मन में आना चाहिए, अरे हाँ उन्होंने चार बार बोला तो ऐसा क्या वैसा क्या वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं जाऊंगी अजमेर शरीफ, लेकिन जब मेरा बुलावा आएगा, जब मुझे दिल में होगा। अब देखिए जैसे अभी मैं जाके ही कमर अली दरवेश की दरगाह, कोई प्लानिंग नहीं था वहां जाने का, कुछ सोचा नहीं था, कोई इरादा नहीं किया था। मैं तो लोनावला गई थी, बराबर, मैं तो लोनावला गई थी। अब लोनावला गई, लोनावला से कहाँ पुणे, कहाँ वो एक जरिया बन गया, वो कौन सा, किसी ने सजेस्ट किया था प्राणी संग्रहालय जाओ, मेरा मन कर गया चलो हाँ, जब प्राणी संग्रहालय जा रही हूँ तो उसके ही थोड़े आगे है अपना कमर अली दरवेश, 20 किलोमीटर की दूरी पे, 65 किलोमीटर जा ही रही हूँ तो चलो उसको 85 किलोमीटर कर देते। जबकि कुछ सोचा नहीं था, कोई पहले से फिक्स नहीं किया था कि मुझे जाना है, बुलावा था मेरा, मुझे वहां जाना था, लिखा हुआ था कि मुझे उस टाइम पे वहां जाना था, पहुंच गई। जब मेरा रहेगा कि मुझे इस टाइम पे इस वक्त पे अजमेर शरीफ में होना चाहिए, तो ऑब्वियसली सब अल्लाह की मर्जी है, मैं उस टाइम पे अजमेर में होंगी। वैसे ही लोनावला भी अल्लाह की मर्जी थी, पहुंच गई लोनावला। ऐसा है, समझ गए। देखो मैंने आपके तीन चार क्वेश्चन के आंसर कर दी कि मैं बारिश छोड़ के ठंडी में लोनावला क्यों गई, मैं अजमेर शरीफ क्यों नहीं गई, और मैं एक्चुअल कहाँ जाना चाह रही थी घूमने के लिए, मैंने सब बता दिया। और हाँ, मेरी आँख में थोड़ा सी अभी है, ठीक है ठीक है। तो चलिए मैं बटाने छील चुकी हूँ, बनाने जा रही हूँ मटर पुलाव, बहुत बात हो गई है। ये ब्लॉग को भी मैं करती हूँ यहीं पे एंड। पता है क्यों, मटर पुलाव की रेसिपी कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर दी, अगर फिर भी आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं एक लिंक ऊपर लगा दूंगी, तो वो वॉच कर लेना। और मैं सबसे पुराने ब्लॉग की लिंक लगाऊंगी जो शायद आप लोगों ने देखी भी नहीं होगी कभी, मुझे ऐसा लगता है, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ मेरा मटर पुलाव रेसिपी शेयर किया था, तो मैं वही लिंक लगाऊंगी, तो देख लेना अगर नहीं देखा आपने तो। ब्लॉग है, ब्लॉग रेसिपी नहीं है, उसके अंदर ब्लॉग भी होगा तो वो ब्लॉग भी देख लेना। आज से चार साल पहले मैं कैसे ब्लॉगिंग करती थी, चार साल तीन साल क्या पता, तो आप लोग देख लेना ठीक है, कब बनाई थी वो पहली रेसिपी याद नहीं। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना, बाय।